सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण तारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको लेकर के आया है श्रीधाम गोवर्धन, और श्रीधाम गोवर्धन में पंचदिवसीय मुड़िया पुण्यो मेला यहां लगा हुआ है। देवसैनी एकादशी से लेकर के गुरु पूर्णिमा तक यहां मुड़िया मेला मनाया जाता है। आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं गिरिराज धन के दर्शन के लिए और परिक्रमा के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जिसको समस्त संसार दान घाटी के नाम से जानता है। आज रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ गिरिराज जी का यह मंदिर कैसा सुंदर दिखाई देता है। आइए अब चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं गिरिराज धन के। और अब हम पहुंच गए हैं दान घाटी मंदिर पर, और देखिए आज किस प्रकार के दर्शन हैं हमारे गिरिराज धन के। फूलों के बगले में विराजमान होकर के गिरिराज धन अपने भक्तों के ऊपर दर्शन रूपी कृपा बरसा रहे हैं। बोल गिरिराज धन की जय। हो प्रभु गोवर्धन नाथ की जय। बड़ी ही अद्भुत छवि के दर्शन दान घाटी मंदिर में श्री गिरिराज धन के। पिछली वीडियो में हमने आपको दर्शन कराए थे कि गोवर्धन धाम का दिन में कैसा नजारा है, और आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि रात्रि में किस प्रकार का आनंद रस बरस रहा है। और जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जाती है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं जहाँ तक कैमरे की निगाह जाती है वहाँ तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। देश और विदेश से आज श्रद्धालु पधारे हैं गिरिराज धन की परिक्रमा लगाने के लिए। यह मुड़िया मेला 5 दिवसीय मेला है जो कि देवसैनी एकादशी से और गुरु पूर्णिमा तक मनाया जाता है। 5 दिन का यह कार्यक्रम होता है और दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती चली जाती है। आइए आपको उस स्थान पर लेकर के चलते हैं जहाँ से 4 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होती है। वहाँ किस प्रकार के दर्शन है, किस प्रकार का नजारा है, उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। और पुलिस प्रशासन की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं, देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं। दूर जहां तक निगाह जाती है वहां तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं ठीक उस स्थान पर जहां से 4 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होती है, और देखिए किस प्रकार का आनंद रस बरस रहा है गोवर्धन की पावन भूमि पर मुड़िया पुण्यो महामहोत्सव के उपलक्ष्य में। और पुलिस प्रशासन के साथ में यहाँ RSS वालों की भी खूब सेवा चल रही है। देखिए किस प्रकार की व्यवस्था को इन लोगों ने संभाल रखा है। मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से इनका धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी परिक्रमार्थियों की सुविधा के लिए आप यहाँ सेवा दे रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए ये RSS वाले पूरी तरह चुस्त हैं, दुरुस्त हैं और अपनी ड्यूटी पूरी तरह से कर रहे हैं, पूरी तरह से अपनी सेवा दे रहे हैं। और भक्तों के रूप में आज जन सैलाब उमड़ पड़ा है श्रीधाम गोवर्धन में। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज गिरिराज जी पधारे हैं परिक्रमा लगाने के लिए। बड़ी ही अद्भुत महिमा है हमारे गिरिराज धन की। कलियुग के प्रत्यक्ष देव हैं श्री गिरिराज धन, और जहां तक निगाह जाती है वहां तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। और देखिए एक मैं श्रद्धा के दर्शन कराऊं, ये RSS वाले भैया यहाँ पानी के पाइप लेकर खड़े हैं और जो भी श्रद्धालु परिक्रमा के लिए आ रहे हैं उनको चरण धुला रहे हैं। कैसे अद्भुत भाव के दर्शन है श्रीधाम गिरिराज जी में। देखिए भक्तों के पैर धुला रहे हैं। धन्य है श्रद्धा को और धन्य ऐसे अद्भुत भावों को। और भोग प्रसाद की दुकानें सज चुकी हैं। देखिए यहाँ से श्रद्धालु गिरिराज धन के लिए दूध और फूल और फल की सेवा यहाँ से लेकर के गिरिराज प्रभु के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था इस बार गोवर्धन जी में। ये देखिए यहाँ से आप दूध और फूल फल सब ले सकते हैं और गिरिराज प्रभु की सेवा कर सकते हैं। और देखिए मिठाइयों की दुकानों को किस प्रकार से सजाया गया है। पेड़े की दुकानें सज चुकी हैं और यहीं से श्रद्धालु भगवान के लिए प्रसाद भोग खरीद करके प्रभु को अर्पण करते हैं। और एक विशेष प्रसाद है यहाँ का चिरवा और चनोरी वाला, ये आप देख रहे हैं। ये श्रद्धालु यहाँ से अपने घर के लिए भी लेकर के जाते हैं। ये एक विशेष प्रकार का प्रसाद होता है जिसको हमारे गिरिराज प्रभु ग्रहण करते हैं। तो आइए अब जानते हैं इन भक्तों के अद्भुत भाव। आज गिरिराज धन के श्री चरणों में पहुंच करके इन्होंने किस आनंद को प्राप्त किया है।
भैया जी राधे राधे। राधे राधे जी। प्रभु आप कहाँ से पधारे हैं? जी हम ब्रज के अंतिम छोर मेवात से पधारे हैं हरियाणा में। किस जगह से, नाम क्या है? मेवात में पुनाना। पुनाने से आए? जिला मेवात हरियाणा। आपका शुभ नाम महाराज? जी मेरा नाम है गौरव कुमार। तो आप गिरिराज जी प्रथम बार आए हैं, आते रहते हैं? नहीं प्रथम बार तो नहीं, जब प्रभु बुलाते हैं 6 महीने में 8 महीने में साल भर में जब आ जाते हैं चरणों में। किस भाव को लेकर के आप गिरिराज जी पधारे हैं? देखो जी हमारा तो अभी जैसे आपसे मिलना हुआ तो हम यही कामना कर रहे थे, हे प्रभु सबका कल्याण करो, सबका भला करो, सबको सद्बुद्धि दो, पूरे जगत का कल्याण करो। कैसो आनंद अनुभव करे हो हृदय में? भाई साहब बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आनंद। जितना पसीना निकला ये समझो सारे पाप धुल गए। जय हो। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितना आनंद हम सोच के चले थे ना उससे कहीं ज्यादा ही मिला, कहीं ज्यादा आनंद, कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा। प्रभु जी आपके भाव? बस यही की है, बहुत अच्छा आनंद आया। बहुत एक बार जयकारा गिरिराज बोलो गिरिराज की जय। तो देखिए इन भोले भक्तों के कैसे भाव हैं, कि सब प्रसन्न रहे, सब खुश रहे, इसी कामना को लेकर के गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में पहुंचते हैं। और इतनी गर्मी में भी इन्होंने जितना सोच करके आए थे उससे ज्यादा आनंद को प्राप्त किया है जैसा कि इन्होंने बताया। और देखिए नगर निगम की कितनी सुंदर व्यवस्था है, जैसे ही कचरा एकत्रित होता है उसको लेकर के ये गाड़ी बाहर ले जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर पर, यहाँ किस प्रकार का आनंद रस है उसके भी आप दर्शन करें। और देखिए दूर दूर तक मिठाइयों की दुकानें सज चुकी हैं हमारे गिरिराज रण के भोग के लिए, क्योंकि हमारे गिरिराज रण को पेड़े का भोग लगाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ अनेकों प्रकार के पेड़े बनाए गए हैं गिरिराज रण के भोग के लिए। आइए अब चलते हैं सौकड्डे पर, वहाँ का भी नज़ारे के आपको दर्शन कराते हैं। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं ऊपर से कैसा सुंदर नज़ारा है श्रीधाम गोवर्धन का। देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं आज गिरिराज रण की परिक्रमा देने के लिए। बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और यहाँ से दानघाटी मंदिर की शिखर भी दिखाई देती है, रोशनी में नहाई हुआ दानघाटी मंदिर की शिखर कैसी सुंदर लग रही है। और जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक श्रद्धालु और परिक्रमार्थियों ही नजर आते हैं। अरे रामदास विक्रम राजकुमार निवासी दोस्ती कहाँ हो? और अब हम पहुंच गए हैं सौखड्डे पर, यहाँ तीनों तरफ से श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु पधार रहे हैं और जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जाएगी इन भक्तों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। और देखिए कैसी श्रद्धा है श्रद्धालुओं की हमारे गिरिराज धरण के प्रति। देखिए दंडवत करके ये अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं और कई भक्त ऐसे हैं जो दंडौती करके ही परिक्रमा लगाते हैं। बोल गिरिराज धरण की जय। धन्य है ऐसे श्रद्धा भावों को और धन्य है ऐसी भक्ति को कि जो श्रद्धालु आकर के यहाँ गिरिराज धरण के चरणों में किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं और किस प्रकार की श्रद्धा रखते हैं उसके आप दर्शन करें। बोल गिरिराज धरण की। देखिए कैसा अद्भुत नजारा है श्रीधाम गोवर्धन में, जहां तक निगाह जाती है वहां तक आप दर्शन करके देखिए, श्रद्धालु सिर्फ श्रद्धालु और सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, श्रीधाम गोवर्धन वो स्थान है जहां हमारे भगवान कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया। आज उसी गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाने के लिए श्रद्धालु मुड़िया पुण्यों के रूप में यहां पधारते हैं और जो जिस कामना को लेकर के आया गिरिराज धरण उसकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। आज आपने हमारे साथ श्री गिरिराज धरण के दर्शन प्राप्त करके और इस मेले का आनंद लेकर के हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे दुर्लभ दर्शन पहुँचते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन आप सभी भक्तों तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं एक और ऐसी अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे।